आज बच्चों हम लोग देखेंगे जो कॉन्स्टिट्यूशन के रिवीजन सीरीज चल रही थी अपनी, वहां पर हम लोग देखने वाले हैं आज स्टेट एग्जीक्यूटिव को, राज्य की कार्यपालिका को। और राज्य की कार्यपालिका की अगर हम लोग बात करेंगे तो ये किस पार्ट में आता है? भारतीय संविधान के भाग 6 में आता है, ठीक है, भाग 6 में आता है। और इसके लिए जो आर्टिकल है 152 से 237 तक है, ठीक है। तो आज हम लोग जिस की बात करने जा रहे हैं वो है राज्यपाल की। राज्यपाल को गवर्नर बोलते हैं, ठीक है। तो हम लोग यहां से शुरू कर रहे हैं, राज्यपाल या गवर्नर से, ठीक है। इसका जो अपॉइंटमेंट होता है, इसकी जो नियुक्ति होती है ना, वो प्रेसिडेंट के द्वारा होती है या फिर राष्ट्रपति के द्वारा होती है, ठीक है। राष्ट्रपति के द्वारा इनकी नियुक्ति की जाती है। अब जो इनकी शपथ है, शपथ इनको कौन दिलाता है, ठीक है, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के द्वारा, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के द्वारा, या फिर, या अगर अनुपस्थिति है तो वरिष्ठ न्यायाधीश के द्वारा। अनुपस्थिति में क्या करेंगे? सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश के द्वारा, सबसे वरिष्ठ जज के द्वारा को शपथ दिलाई जाती है, ठीक है। ये एक संवैधानिक पद है और स्वतंत्र संवैधानिक पद है, स्वतंत्र संवैधानिक पद है, ठीक है। एलिजिबिलिटी क्या है? ये भारत का नागरिक हो, भारत में नागरिकता एक्वायर्ड भी की हो तो भी चलेगा, बस भारत का नागरिक होना चाहिए। जन्म से नागरिक होना यहाँ आवश्यक नहीं है, ठीक है। कम से कम 35 साल का होना चाहिए। किसी भी सदन का सदस्य ना हो, किसी भी सदन का सदस्य नहीं होनी चाहिए। किसी लाभ के पद पर, ठीक है, प्रॉफिट ऑफ पोस्ट पर नहीं होना चाहिए। अब राष्ट्रपति के द्वारा ये अपना पद धारण करता है, लेकिन ध्यान रखना ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होता है। राष्ट्रपति जब चाहे इन्हें हटा सकता है, ठीक है, प्रसाद पर्यंत, या फिर टेन्योर होता है उसका पूरा 5 वर्ष का, बीच में भी राष्ट्रपति हटा सकता है, 5 वर्ष या प्रसाद पर्यंत, याद रखना, ठीक है। इसके जो वेतन भत्ते होते हैं राज्यपाल के, जो वेतन और भत्ते हैं, ये संसद के द्वारा निर्धारित होते हैं, संसद द्वारा इनका निर्धारण होता है। और ये भारत की संचित निधि पर, भारत की संचित निधि पर से दिए जाते हैं, उस पर भारित होते हैं, ठीक है। इसकी पदावधि के दौरान उसको आप कम नहीं कर सकते, ठीक है। अब एक गवर्नर है मान लो, ठीक है, वो कई राज्यों का भी गवर्नर हो सकता है, ये इधर का भी गवर्नर हो सकता है, ये इधर का भी गवर्नर हो सकता है, कई राज्यों का गवर्नर हो सकता है, ठीक है, ठीक है। अब इसके जो वेतन भत्ते हैं, वेतन भत्तों का निर्धारण कैसे होगा? वेतन भत्तों का निर्धारण क्या होगा? का निर्धारण राष्ट्रपति करेगा, राष्ट्रपति द्वारा तय किया जाएगा। और इसके लिए प्रोविजन किया गया है 158 का 3 का में, ठीक है, तो ये आपने ध्यान रखना है, ओके। इसके लिए एक 7वां संविधान संशोधन हुआ था, 7th एमेंडमेंट हुआ था 1956 में, उसी के तहत ये निर्धारण होता है। खैर, अब हम लोग बात करते हैं आर्टिकल 155 की। 155 क्या कहता है? कहता है कि इसकी जो नियुक्ति है, अपॉइंटमेंट है, नियुक्ति प्रेसिडेंट के द्वारा हो रही है, हम बात कर चुके हैं, ठीक है। केंद्र द्वारा नामांकित होता है, केंद्र सरकार ही कहती है कि किसको बनाना है, राष्ट्रपति इसी को बना देता है, ठीक है। स्वतंत्र संवैधानिक पद है, हमने बात की। कार्यकाल समाप्ति के बाद भी पद पर रहता है कि जब तक दूसरा व्यक्ति पद ग्रहण ना कर लिए, नोट करके याद रखना, राष्ट्रपति की तरह ही है।
कार्यकाल की समाप्ति के बाद भी तब तक पद पर रहता है जब तक कि दूसरा पद ग्रहण ना कर ले, तब तक कि दूसरा व्यक्ति पद ग्रहण ना कर ले, ध्यान रखिएगा। ठीक है, संसद को ये नोट वन याद रखना, नोट टू याद रखो, चाहे संसद हो और चाहे विधानमंडल हो, ठीक है, इनको राज्यपाल को हटाने का अधिकार नहीं है, ये राज्यपाल को हटाने का अधिकार इनको नहीं दिया गया। चलो अब हम लोग पावर्स की बात करते हैं, शक्तियों की बात करते हैं, पावर्स की बात कर रहे हैं या फिर शक्तियों की बात कर रहे हैं, ठीक है। शक्तियों में पहला है कार्यपालिका शक्ति, क्या है, पहला है कार्यपालिका शक्ति। अगर आप कार्यपालिका शक्ति की बात कर रहे हो, एग्जीक्यूटिव पावर की बात कर रहे हैं, तो राज्य की कार्यपालिका शक्ति किसमें होती है, गवर्नर में निहित है, और इसका प्रयोग संविधान के अनुसार या अपने अधीनस्थों के द्वारा, प्रयोग कैसा, संविधान के अनुसार और अपने अधीनस्थों के द्वारा, अधीनस्थों द्वारा मतलब जो चीफ मिनिस्टर वगैरह हैं, सीएम और उनकी कैबिनेट वगैरह हैं, ठीक है। अब देना, ये सीएम की नियुक्ति करते हैं, जैसे राष्ट्रपति प्रेसिडेंट की, राष्ट्रपति पीएम की करते हैं, जैसे ये सीएम की नियुक्ति करते हैं, वहां पर राष्ट्रपति पीएम की सलाह पर अन्य मिनिस्टर की नियुक्ति करते थे, यहां पर सीएम की सलाह पर गवर्नर क्या करेगा, सीएम की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति, कंपेयर करके रखना है, कई बार गवर्नर के अधिकारों को और प्रेसिडेंट के अधिकारों को मिक्स कर देते हैं, ठीक है। हमने बात क्या की, अन्य मंत्रियों की नियुक्ति, और ये जो अन्य मंत्री हैं ये क्या हैं, ये गवर्नर के प्रसाद पर्यंत ये क्या करते हैं, ये गवर्नर के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं, मतलब अगर चीफ मिनिस्टर कहता है कि इनको हटाना है, अब किसी नए को बनाना है, तो ये अपना इस्तीफा, कौन, मंत्री अपना इस्तीफा दे देंगे, ठीक है। अब ये जो गवर्नर है ये क्या कर सकता है, प्रशासन संबंधी या कोई कानून बना रहे हो, कोई विधायन बना रहे हो, या फिर विधान संबंधी, ये दोनों याद रखना, कोई भी जानकारी सीएम से मांग सकता है, क्या कर सकता है, कोई भी जानकारी अब वो क्या करेगा, वो सीएम से मांग लेगा, ठीक है। तो क्या करेगा, कोई भी जानकारी सीएम से मांग सकता है, जैसे वहां प्राइम मिनिस्टर से प्रेसिडेंट मांगता था, वहां पर ये सेम, तो बहुत सारी चीजें कॉमन है, ठीक है। अब ये जो सीएम की नियुक्ति और सीएम की सलाह पर, इसका एक आर्टिकल है 164 का 1, आपको याद रखना है, ठीक है। किसी भी मंत्री के निर्णय को विचार के लिए मंत्री परिषद के समक्ष रखवा सकता है, ये भी इसको राइट दिया गया, तो यहां पर हम इसको नोट डाउन ही कर लेते हैं, ठीक है, कि किसी भी मंत्री के निर्णय को विचार के लिए मंत्री परिषद के
समक्ष रखवाने का काम भी गवर्नर साहब ही करते हैं। ठीक है, अब गवर्नर साहब किस किस को नियुक्त करते हैं, बड़ा क्वेश्चन आता है, ये नियुक्ति नियुक्ति किस किस की करते हैं, ध्यान दीजिएगा मेरी बात। ठीक है, एक तो ये सीएम की नियुक्ति करते हैं, सीएम के सलाह पर अन्यों की नियुक्ति करते हैं, हमने बात कर ली। इसके अलावा और किस किस की नियुक्ति कर सकते हैं, ये एडवोकेट जनरल या महाधिवक्ता, जो राज्य का महाधिवक्ता होता है ना, उसकी नियुक्ति करते हैं। ठीक है, अब राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष, राज्य लोक सेवा आयोग के जो अध्यक्ष हैं और जो सदस्य हैं उनकी नियुक्ति करने का काम भी गवर्नर के पास है। ठीक है, राज्य निर्वाचन आयोग, ठीक है, राज्य निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति करने का इनके पास है। इसके अलावा जो राज्य की यूनिवर्सिटी के उपकुलपति होते हैं, राज्य यूनिवर्सिटीज के उप कुलपति की नियुक्ति भी करता है, जैसे आप कहते हो वाइस चांसलर, ठीक है, इनको क्या बोलते हो आप, वाइस चांसलर कहते हैं इनकी। ठीक है, क्योंकि कुलपति तो ये खुद ही होता है। ठीक है, अब कुछ चीजें जो याद आ रही मुझे, मैं उनको बता रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। अगर राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो जाए, क्या हो जाए, राज्य में अगर संवैधानिक तंत्र विफल हो जाए तो क्या करेगा, राष्ट्रपति को 356 के तहत सिफारिश करेगा। ठीक है, और अगर सिफारिश लागू हो जाए, अगर ये सिफारिश लागू हो जाए तो क्या करेगा, तो केंद्र के प्रतिनिधि के रूप में शासन करेगा, तो केंद्र के प्रतिनिधि के रूप में ये शासन करेगा। ठीक है, इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट चीज है, राज्य सूची पर इसका अधिकार है, ठीक है, समवर्ती सूची पर भी क्लास की सीमा तक इसका अधिकार है। अगर बात की जाए समवर्ती सूची पर भी क्लास की सीमा तक इसको अधिकार दिया गया है। ठीक है, एक विधानमंडलों में अगर लगता है कि आंग्ल भारतीय समुदाय के सदस्य कम है तो एक एंग्लो इंडियंस की नियुक्ति, अब ये प्रोविजन हटाने की बात हो रही है, फिलहाल ये राज्य सरकारें ही तय करेंगी, लेकिन यूपी में इसको हटाना जाना है कि नियुक्ति का अधिकार दिया गया, इसके लिए आर्टिकल 333 में ये बात की गई है। ठीक है, जो विधान परिषद होती है, अगर राज्य में कहीं पर विधान परिषद है तो विधान परिषद के 1/6 सदस्य जो होंगे, ठीक है, इन 1/6 सदस्यों को मनोनीत करता है, मनोनीत करने का अधिकार किसके पास है, राज्यपाल के पास है। ठीक है, अब इसके लिए कौन कौन सा चाहिए आपको, साहित्य के क्षेत्र में हो, कला के क्षेत्र में हो, विज्ञान के क्षेत्र में हो, सामाजिक सेवा के क्षेत्र में हो, और एक नया है सहकारी आंदोलन,
सहकारी आंदोलन, ठीक है। अब देखो राष्ट्रपति भी करता था, जो राष्ट्रपति मनोनीत करता था सदस्यों को राज्यसभा में, ठीक है, राज्यसभा में वो 12 सदस्यों को करता था, 12 सदस्यों को। अगर कंपेयर करोगे तो यहां पर चार ही फील्ड हैं जिन फील्डों में वो मनोनीत करता है। किसको करता था? देखो साहित्य करता था, कला, विज्ञान और सामाजिक सेवा। तो यहां पर जो सहकारी आंदोलन है ना वो एडिशनल है, याद रखिएगा, नहीं तो आप सीधे सीधे आप लगा दो, ठीक है। अब अगर राज्यपाल की विधायी शक्तियों को आप देखें, क्या देखें? इसकी विधायी शक्तियां देखते हैं हम लोग। ठीक है, लेजिस्लेटिव पावर जिसको कहते हैं, क्या क्या है? बिल्कुल राष्ट्रपति की तरह है, सत्र को बुलाना, ठीक है, या फिर सत्रावसान कर देना, सत्र को समाप्त कर देना, ठीक है। एक बैठक से दूसरी बैठक के बीच में क्या होना चाहिए? 6 माह से अधिक का गैन, 6 माह से अधिक का गैप नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये सत्र का विघटन भी कर सकता है, का विघटन भी कर सकता है, ठीक है। विघटन के लिए इंपॉर्टेंट रख लो, इस विघटन के लिए नोट, विघटन के लिए आवश्यक नहीं है कि कोई बैठक हुई है कि नहीं, विघटन के लिए आवश्यक नहीं है कि कोई बैठक हुई है या फिर नहीं हुई है, ठीक है। ये अगर वहां पर लेजिस्लेटिव काउंसिल भी है और लेजिस्लेटिव असेंबली भी है, अगर दोनों हैं तो वो क्या करेगा? इन दोनों में अभिभाषण देगा। अगर दोनों नहीं है तो एक में अभिभाषण देगा, ठीक है। अब कोई विधेयक ऐसा है जो लंबित रहा हो या किसी विषय पर शीघ्रता से विचार करना हो, ठीक है, किसी लंबित या किसी विषय पर शीघ्रता से विचार के लिए सदन को संदेश भेज सकता है, ठीक है। अब ये अपना अभिभाषण कब कब करता है ये तो मैं बताना भूल गया आपको, ये करता है सत्र के आरंभ में, जब भी कोई सत्र शुरू होता है तो इसके अभिभाषण के साथ शुरू होता है, ठीक है। कोई वर्ष का पहला अधिवेशन या सत्र हो रहा हो तो वहां पर करता है, ठीक है। और कानून बनाने में इसकी सहमति जरूरी है, बिना इसकी सहमति के राज्य विधानमंडल कानूनों को पास नहीं कर सकता, ठीक है। अब कानून की बात कर रहे हैं तो हम लोग कुछ चीजें समझ लेते हैं, नोट कर लेते हैं चीजों को, ठीक है। अब जो कानून बनाने का प्रोसीजर है तो हम लोग एक आर्टिकल है 200, आप इसको याद रखिएगा, आर्टिकल 200, ठीक है। हम लोग नोट बात कर रहे हैं, नोट पहला, ठीक है। धन विधेयक को छोड़कर, ठीक है, शेष विधेयकों पर, शेष विधेयकों पर
स्वीकृति देने के लिए बाध्य नहीं है। ठीक है, अब देखिए नोट नंबर 2 आप ध्यान दीजिए, नोट नंबर 2 समझिए। किसी भी विधेयक को वह सिफारिश के साथ लौटा सकता है, सिफारिश दे दे। ध्यान से समझिएगा, ठीक है। अब सिफारिश को राज्य विधानमंडल माने या ना माने, सिफारिश को माने या ना माने विधानमंडल, ठीक है, और पुनः पारित कर दी, पुनः पारित कर दे, तो इस कंडीशन में क्या होगा? स्वीकृति देनी होगी। ठीक है, तीसरा नोट सुनिए, बड़ा इंपॉर्टेंट है, थर्ड वन। वह विधेयक को राष्ट्रपति की अनुमति के लिए रोक सकता है। हाँ, राष्ट्रपति की अनुमति के लिए रोक सकता है, ठीक है। अब वो किस विधेयक को रोकेगा जो राष्ट्रपति की अनुमति के लिए रोकना है? तो ध्यान रखना है, यदि कोई विधेयक हाई कोर्ट की शक्तियों को कम करने वाला, तो वह उसे जरूर जरूर राष्ट्रपति के पास भेजेगा। ठीक है, और अन्य विधेयक, और जो अन्य विधेयक होते हैं उनको स्वविवेक के आधार पर, को क्या करेगा? स्वविवेक के आधार पर प्रेसिडेंट के पास भेजेगा। बात ध्यान से रखिएगा, बड़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब जो इंपॉर्टेंट की बात, अध्यादेश जारी करने की भी इसको शक्ति दी गई है। क्या दी गई इसको? ये अध्यादेश भी जारी कर सकता है, और इसके लिए आर्टिकल है 213, ठीक है। 213 को आपको ध्यान रखना है। अब अध्यादेश को समझ लीजिए, 213 में, बड़ा इंपॉर्टेंट, इसका भी अध्यादेश जारी करने की जो पावर है वो भी बड़ी खास है। कब अध्यादेश जारी करेगा? देखो, विधानसभा और कहां जहां विधान परिषद है वहां पर, ठीक है। अगर ये दोनों सत्र में ना हो, ठीक है, सत्र में ना हो और उसको ऐसा लगता हो कि शीघ्र कार्यवाही आवश्यक है, शीघ्र कार्यवाही जरूरी है, तो क्या कर लो भैया, ठीक है, कर लीजिए। कुछ विषयों में, कुछ विषयों में राष्ट्रपति की सहमति जरूरी है, कुछ विषयों में, जैसे, ठीक है, ऐसे विधेयक जो राज्यपाल ने राष्ट्रपति के लिए आरक्षित रख रखे हो, ऐसे, ठीक है। अब इस अध्यादेश का प्रभाव वैसा ही होगा कानून के जैसा प्रभाव भी होगा, ये अध्यादेश, इसका प्रभाव कैसा होगा? जैसे किसी कानून का होता वैसा ही रहता है, ठीक है। और जैसे ही विधानसभा या विधानमंडल या विधान परिषद, जैसे ही विधानमंडल पुनः सत्र में आएगा, पुनः सत्र में आने पर 6 वीक, 6 सप्ताह की समाप्ति पर, यह समाप्त हो जाएगा, ठीक है। अगर अध्यादेश स्वीकार कर लिया गया, अगर अध्यादेश सदन ने स्वीकार कर लिया,
सदन द्वारा स्वीकार हो गया तो वो अधिनियम बन जाएगा, कानून बन जाएगा, एक्ट बन जाएगा। ठीक है, तो याद रखना है, जब आप पूछते हैं कि ये किस वाली डेट से आप, ठीक है, तो विधानमंडल पुनः सत्र में आने से 6 सप्ताह की समाप्ति पर, ठीक है, तो बाद वाली डेट से सप्ताह को गिनेंगे, ध्यान रखना आपको। फिलहाल हम लोग देखते हैं विधायी शक्तियों को देखते हैं। विधायी शक्तियों को देखते हैं। आज सभी लोग एकदम शांत हैं, कोई कमेंट नहीं, कोई क्वेश्चन नहीं, कोई हाथ नहीं, तो कल ये अच्छी बात है। फाइनेंशियल पावर्स की बात करते हैं, ठीक है, हमें भी काट फिट नहीं करनी पड़ेगी यूट्यूब पर इस वीडियो को अपलोड करने के लिए, तो कई बार तो बढ़िया ही रहता है। ठीक है, अब संविधान में एक आर्टिकल है 202, वहां पर बात की गई है सरकार के वार्षिक आय व्यय का विवरण रखवाएगा, जैसे राष्ट्रपति सरकार के वार्षिक आय व्यय का विवरण संसद में रखवाता था, ये विधानमंडल में रखवाएगा। क्या करेगा ये, इसके तहत वार्षिक आय व्यय का विवरण सदन में रखवाएगा। ठीक है, धन विधेयक जो भी होगा, मैंने आपको बताया था धन विधेयक कौन होते हैं, धन विधेयक पूर्व अनुमति से ही पेश होंगे। ठीक है, कोई भी पूरक मांग करनी हो या कोई अतिरिक्त मांग करनी हो या फिर अधिक अनुदान की मांग करनी हो, ध्यान देना मेरी बात को, कोई पूरक मांग हो, अतिरिक्त मांग हो या अधिक अनुदान की मांग हो, मांग इसकी अनुमति से ही, ठीक है, आकस्मिकता निधि पर, आकस्मिकता निधि पर इसका कंट्रोल होता है। ठीक है, अब यूपीपीएससी जो राज्य का लोक सेवा आयोग है और महालेखा परीक्षक, और महालेखा परीक्षक के की जो रिपोर्ट होती है जिसको प्रतिवेदन कहते हैं, रिपोर्ट, वह सदन में रखता है, मतलब इसके नाम से ही रखा जाता है। तो ये 5 चीजें आपको याद रखनी है इसकी विधायी शक्तियों में। ठीक है, अब हम लोग इनकी जुडिशियल पावर की बात करते हैं, न्यायिक शक्ति की बात करते हैं। राज्यपाल की जुडिशियल पावर क्या क्या है भाई, ठीक है, अब ये दंड को, किसी व्यक्ति को दंड दिया गया है और राज्य में दिया गया है, राज्य के कानून के तहत दिया गया है, तो क्या कर सकता है, ये क्षमा कर सकता है, ठीक है, प्रविलंब कर सकता है, उसको विराम दे सकता है, परिहार, इन सब का मतलब बताया मैंने आपको, परिहार कर सकता है, ठीक है, उनका निलंबन कर सकता है या फिर लघुकरण कर सकता है, ये सब कर सकता है। लेकिन मृत्युदंड क्षमा नहीं कर सकता, संघ सूची के क्षमा नहीं कर सकता, सेना न्यायालय के दंड पर पे कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, अगर यहां पर बात करें तो राष्ट्रपति ये सब काम कर सकता है आर्टिकल 72 के अनुसार, ठीक है, ये नहीं कर सकता, तो राष्ट्रपति और इसमें अंतर है। ठीक है, निराहरता की अगर बात करें कि कोई सदस्य योग्य है कि नहीं, निराहरता, तो क्या करेगा, निर्वाचन आयोग की राय से, निर्वाचन आयोग की राय से विधानमंडल की सदस्यता की निर्हरता के बारे में बात कर सकता है।
ठीक है, हाई कोर्टेड के, हाई कोर्ट के जजेस, जजेस की नियुक्ति की बात करनी हो तो यहां पर जो प्रेसिडेंट होता है ना, वो गवर्नर से सलाह लेता है। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। ठीक है, राज्यों में वो जिला जजों की नियुक्ति करता है, जिला जजों की नियुक्ति करता है, इनकी प्रोन्नति करता है। ठीक है, और इन सब के लिए वो क्या करता है, नियुक्ति और प्रोन्नति में हाई कोर्ट से परामर्श, हाई कोर्ट के परामर्श से करता है। ठीक है, किसी राज्यपाल को आज तक बर्खास्त किया गया तो याद रखना 1980 में तमिलनाडु के राज्यपाल थे प्रभुदास पटवारी, उनको बर्खास्त किया गया। अब इसकी वैवेकीय शक्ति है, समझ लो, जो विवेक से, विवेकीय शक्तियों की हम लोग बात कर रहे हैं, जैसे कहते हैं डिस्क्रिशनरी पावर। अब देखो आर्टिकल 200 के तहत क्या करता है, क्या करता है, राष्ट्रपति के विचार के लिए विधेयक को रखता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, पुनर्विचार के लिए विधेयक को लौटा भी सकता है, इसी के लिए पुनर्विचार के लिए भी कह सकता है इसी आर्टिकल का। 356 समझिए, बड़ा इंपॉर्टेंट है, राज्य में राष्ट्रपति शासन की सिफारिश, कि सिफारिश कौन करता है, राज्यपाल ही करता है, इसका बहुत दुरुपयोग हुआ है, खैर वो हम लोग बात नहीं कर रहे हैं, 213 की बात करेंगे। ठीक है, किसी भी अध्यादेश को राष्ट्रपति के अनुमति के लिए रखना। ठीक है, और क्या करता है, अगर किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला, स्पष्ट बहुमत ना मिला हो तो क्या करता है, तो सीएम की नियुक्ति भी अपने विवेक से करता है, तो चीफ मिनिस्टर की नियुक्ति क्या करता है, अपने विवेक से करता है। ठीक है, अगर सरकार बहुमत में ना हो, सरकार बहुमत में ना हो ठीक है, तो क्या करता है, तो कहता है कि सीएम को त्याग पत्र या बहुमत साबित करने को कहता है। ठीक है, मंत्रिपरिषद को भंग कर सकता है, यह भी इसको राइट दिया गया। ठीक है, कब भंग करेगा, जब अविश्वास प्रस्ताव पास हो जाए, अविश्वास प्रस्ताव पास हो जाए तभी करेगा। ठीक है, किसी भी विषय पर अधिवेशन बुला सकता है, अधिवेशन बुलाना किसी भी विषय पर, ये इसका राइट है। ठीक है, स्व विवेक से विधानसभा भंग कर सकता है, ये भी इसको राइट दिया गया। ठीक है, और अगर किसी सीएम, चीफ मिनिस्टर पर या किसी मंत्री पर भ्रष्टाचार के आरोप हैं तो मुकदमा दर्ज करने को कह सकता है, तो मुकदमा दर्ज करने को कह सकता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज क्या है, आपको आर्टिकल 163 का 2 याद रखना है, वहां पर भाई साहब कहते हैं कि विवेकीय शक्तियों को प्रश्नगत नहीं किया जा सकता, इस पे आप कुछ नहीं कह सकते। ठीक है, क्या कहता है कि विवेकीय शक्तियों को
प्रश्नगत नहीं किया जा सकता। किसी भी राज्य की यूनिवर्सिटीज हैं उनके मैंने बात की थी, चांसलर होता है, ठीक है। अगर दल बदल के आधार पर निर्भरता की बात करें तो इसका कोई रोल नहीं, वो उस सदन का सभापति या अध्यक्ष जो होगा वो तय करेगा। तो राज्यपाल में हमको इतना ही देखना है, इसके बाद हम लोग अब देखने चलते हैं राज्य मंत्री परिषद को, ठीक है। यहां से आपको एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन जरूर मिलेगा इंडियन पॉलिटी में, क्वेश्चन राज्यपाल पे आता है, हर साल आता है, डेली आता है, इतना करिए, इससे बाहर कुछ भी मिलने आपको नहीं जा रहा है। बस इस वीडियो को देख लीजिए, आपका काम हो गया।